नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। हालांकि मैं आपको बता दूं, यह कुछ ही घंटों में यह राम कथा ज्ञान महायज्ञ इस रामनगर की पावन धरती राज फील्ड में आरंभ होगा, जिसके कथावाचक श्री राम भद्राचार्य जी हैं। और आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन जरा दिखाइए, ये मंच है और इसी मंच के द्वारा, इसी मंच के माध्यम से श्री महाराज राम भद्राचार्य जी लोगों को प्रवचन देंगे और राम की जीवन कथा को सुनाएंगे। और शायद इस तरह का मंच हम लोग राजनीतिक गतिविधियां कार्यक्रम में देखने को मिलता है। और यहाँ तक हम प्रेरित हो गए, जो इस पंडाल के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इतना भव्य पंडाल सजाने का जो हुनर कहाँ से आया। और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के रामनगर निवासी और जो युवा हैं, वृद्ध हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अपना तन मन धन तीनों को लगाकर इस कार्यक्रम में दिन रात एक कर दिए हैं। कभी तो सुनने को ऐसा भी आया है कि इसके जो कार्यकर्ता है सही समय पर भोजन भी ग्रहण कर नहीं पाते हैं। तो पहले दिखाइए हमारे कैमरामैन साहब, पीछे दिखाइए, एक तरफ महिलाएं के लिए है और दूसरी तरफ पुरुष के लिए। और आप उत्तर साइड में देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे मुख्य अतिथिगण आएंगे इनके लिए प्रबंध किया गया है। और इस चंपारण की जो हमारे, खासकर रामनगर के जो भी हमारे पब्लिक हैं और हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे भक्त हैं, यह इनका बहुत बड़ा सौभाग्यशाली ये लोग हैं कि ऐसी बड़ी हस्ती का दर्शन होने का चांस और कल से होगा। तो मैं समय को व्यतीत न करते हुए शीघ्र ही चलूँगा। जो भी इसके कार्यकर्ता है, चाहे वो एक ईंट भी इसमें लाकर रखते हैं, ये बड़ा सा बड़ा कार्य करते हैं, इसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सर, मैं चाहूँगा, सर आप एक युवा हैं और आज सबसे बड़ी बात है कि शोभा यात्रा निकला है, तो क्या सर लगता है कि ऐसे कार्यक्रम कराने का आशय है और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सर ये कहाँ से आते हैं आपके पास एनर्जी? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं अनुराग मणि तिवारी नमस्कार करता हूँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह शोभा यात्रा जो निकली है, कल जगतगुरु परम आदरणीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का आगमन हो रहा है और राम कथा होगी यहाँ पे। और आप जो बताए हैं कि शख्स आध्यात्मिक जगत के एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मतलब तुलना आज के समय में देव रूप में आप कर सकते हैं। चलिए सर, जो व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो, जन्म के 16 दिन बाद जो व्यक्ति जन्मांध हो गया हो, वह व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता हो, वह व्यक्ति रामायण का मर्मज्ञ हो, उस व्यक्ति को आप शख्सियत और इन सब में मत तौलें। और ये राजनेता का मंच आप बोले हैं? नहीं सर, मैं ये कहा कि इस तरह का मंच जो है सिर्फ राज नेता के में लगता है, लेकिन सर इतना भव्य कार्यक्रम, बहुत खुशी हो रही है सर। मैं बता रहा हूँ कि राजनेताओं के लिए ही ऐसा मंच नहीं लगता है। जगत गुरु जहाँ भी जाते हैं, मैं अभी दिल्ली से होके आया हूँ, नोएडा में उनका बैनर लगा था एलईडी लाइट पे और इतना भव्य बैनर लगा था। आपको पता होना चाहिए कि इनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी इनके शिष्य हैं, मतलब इनके पास इनके श्री चरणों में जाते हैं। तो ये बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही मतलब ज्ञान के भंडार कहिए, और आज के समय में, आज के दौर के ये जीते जागते एक तरह से हम लोग इनको भगवान के समान मानते हैं। तो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी जो हैं वो ज्ञान के भंडार हैं, और रामनगर का सौभाग्य है, इस चंपारण का सौभाग्य है कि यहाँ पे वह आ रहे हैं और हम लोगों को राममय बनाने वो 9 दिन यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। कल से 9 दिन, ये कल से 31 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक यह कार्यक्रम होगा। तस्वीरों में देखिए कितना सुंदर और आकर्षक तस्वीरें बनाई गई हैं, यह कंप्यूटराइज नहीं है,
यह पेंटिंग है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की है, राइट हैंड में आप देख सकते हैं और बीच में राम मंदिर का भव्य तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड में जो हमारे महाराज जी का है तस्वीर है, आप देख लीजिए। लेकिन चलते चलते जो इस में सबसे बड़ा एक हुनर योगदान जिनका है, जो हम लोग पंडाल का जो हेड हैं मालिक साहब है, मैं इनसे मिलने का प्रयास करूँगा और आखिर में कहाँ से इनके पास ये हुनर आया है इतना सुंदर भव्य पंडाल बनाने का। सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर मैं चाहूँगा सर आप सर पहले अपना इंट्रो दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं वेब इंडिया चैनल का धन्यवाद देता हूँ और सबसे बड़ी बात है यहाँ रामनगर की जो शुभ नाम महोदय नहीं बताया। मेरा नाम आलमगीर अशरफ है। मैं आलमगीर अशरफ जी, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, इतना बड़ा सर एक धार्मिक ये क्या बोलते हैं पंडाल के लिए सर इतना योगदान, क्या बात कर रहे हैं सर, कहाँ सर आखिर में? देखिए हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, या हम लोग को जो शुरू से जो बताया गया है, जो सिखाया गया है, जो समझाया गया है, जब तक मेल मोहब्बत नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और मैं यहाँ आया तो ये चीज़ चरितार्थ हुआ और मैं बहुत कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ लेके यहाँ से जाऊँगा रामनगर की जनता के द्वारा और यहाँ जो आयोजनकर्तागण हैं, जो श्री राम कथा यज्ञ समिति के लोग हैं, उन्होंने मुझ पर जिस तरह ट्रस्ट किया है, मैं 100% अपना योगदान दूंगा। सर का तो कहना है कि बहुत कुछ, हजारों लोगों की दुआएं लेकर जाएंगे। सर आपके पास जो है अभी पंडाल की कैपेसिटी क्या है, कितने लोग की कैपेसिटी है? 40 से 50 हज़ार लोग आराम से बैठ जाएंगे और गुरुजी के प्रवचन के साथ साथ गुरुजी को देखने की भी सारी व्यवस्थाएं आयोजन समिति के द्वारा और हमारे माध्यम से की गई है और कहीं किसी को असुविधा ना हो इसका भी सभी लोग ख्याल रख रहे हैं। अच्छा सर, इस तरह की कोई भी भव्य कार्यक्रम हो तो इसके लिए यदि कोई चाहते हैं, कोई चाहे वो समिति हो या व्यक्ति हो, सर तो आपसे संपर्क करना तो करना चाहे तो कैसे किस प्रकार वो आपसे संपर्क करेगा? नहीं, मेरा तो बेतिया उज्जैन टोला में मेरा मकान है और वहीं मेरा टेंट हाउस का अपना ऑफिस है और जो मेरा इवेंट का ऑफिस है वो पटना है, मखनिया कुआ में है। और इस तरह के कार्यक्रम में हम राजनीतिक तौर पे तो लोगों की व्यवस्थाएं बनाते ही हैं लेकिन यहाँ तो खैर बहुत ही दिल को छू जाने वाली व्यवस्थाएँ की जिम्मेवारी हमको दी गई और व्यवहार प्यार 1 लाख जो मिला अभी तक वो बहुत कम जगहों पे मिलता है। मैं आपको यह बता दूं, और भी जगह पंडाल इनके लगाए जाते हैं परंतु यह इस सर इसका नाम कैसे बताया आपका पंडाल का क्या नाम? मेरा डीलक्स टेंट हाउस, पश्चिम चंपारण के लिए है और इवेंट वर्क के लिए मेरा डीलक्स इवेंट मैनेजमेंट है जो पटना मखनिया कुआं। मैं आपको यह बता दूं कहीं पर भी इनका पंडाल से संबंधित कार्य होता है यह नहीं जाते हैं, इनके कार्यकर्ता जाते हैं, लेकिन सर आप स्वयं इस इवेंट में इस कार्यक्रम में आ पाए सर, क्या वजह है सर? देखिए ये व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये सामाजिक काम है और धार्मिक काम है। जब आप देहियाँ अगर हम लिए हैं तो एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते हमको अपने जवाबदेही का 100% योगदान देना चाहिए और मैं उसी को यहाँ अपने उपस्थिति में अपने निगाह में खड़े होके इसको करे इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर अभी आपके साथ इसमें कितने लोग हैं जुड़े हैं जो आपके पंडाल संबंधित आपके? अभी मेरे साथ मेरे अपने दो तीन। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।
3 रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड हैं और लगभग 50-60 मेरे स्टाफ वगैरह हैं जो लगातार 10 दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और समिति का, स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी बार मैं आपको दिखाऊंगा, पहले तस्वीरों को देखिए और मंच को देखिए और हमारे नौजवान जो खड़े हैं और जो हमारे गार्जियन लोग खड़े हैं, ये इस बात की इंतज़ार है कि कल का जो है जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है, ये महाराज जी का दर्शन करना बहुत बड़ी ही भाग्यशाली की बात है और सभी लोग बेचैन हैं इस बात के लिए कि लोग दर्शन कर। सर क्या कहना चाहेंगे सर, तमाम के तमाम जो लोग बाहर से आने वाले हैं? राम कथा हो रही है और भारत के सुप्रसिद्ध संत चित्रकूट पीठाधीश्वर श्री श्री रामभद्राचार्य जी महाराज यहाँ पधार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रामनगर की एक सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा रही है, गंगा यमुनी संस्कृति रही है, हर संप्रदाय हर वर्ग के लोग मिलजुल कर इस यज्ञ में शामिल हैं और कहीं से भी कोई परेशानी किसी को नहीं है। आज शोभा यात्रा निकली थी और संपूर्ण शांति व्यवस्था के साथ शोभा यात्रा निकली थी। रामभद्राचार्य जी की कथा भी हमें उम्मीद है कि पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न होगी और हमारी कामना है कि यह लोगों को एक अच्छा संदेश दे, विश्व बंधुत्व का संदेश दे, यह कथा मानवता का संदेश दे और हमें अपेक्षा है कि हमेशा की तरह ऐसा ही होगा। चलिए सर, आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, तब तक के लिए हम वेट कर रहे हैं इसके, यह कार्यक्रम का पुनः आरंभ होगा और तमाम के तमाम यहाँ पर जो भी लोग हैं दूर दराज से आए और कथा सुनकर अपने जीवन काल में उसको इम्प्लीमेंट करें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज, रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।